ये हैं होशियार पट्टी के, ऊपर चढ़ने के बाद अब इनकी हवा निकल गई है कि नीचे कैसे आए भाई, ये तो बहुत ही नीचे है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज सुबह सुबह बाड़े का एक लुक और ये मौसम ऊपर की साइड का, भाई आज जो है वो हम बाड़े पे ही थे कल रात से, तो सुबह हुई अभी और सुबह सुबह जो है मौसम बहुत ही मज़ेदार है। तो मैंने सोचा कि ना ब्लॉग स्टार्ट किया जाए इस मौसम के साथ, ये सीजन भी स्टार्ट ही हो गया माशाल्लाह से। तो भाई एक लुक देख लेते हैं कि ये मौसम कैसा हो रहा है, बहुत मज़ेदार मौसम है। अभी टाइम हो रहा है 6:10, तो भाई देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। ऐसा लगे जहाँ मेरा बाड़ा है, हमारा छोटा सा फार्म है भाई, ये देखें ये लुक है, ये देखें बिल्कुल धूप नहीं है, ठंडी हवा चल रही है, सूरज अभी निकल रहा है और बाकी जगहों पे जो है वो थोड़ी थोड़ी, यहाँ पे असल में सीना साइड जो पूरी भैंस कॉलोनी सरजानी की लगी हुई है बनी हुई है यहाँ पे, ये यह है बिल्कुल नदी के साथ, जो हमारी नदी आ रही है उसके साथ है। इसकी वजह से सर्दी का भी आखिरी मौसम जो है वो बहुत लेट यहाँ पे उगता है, मतलब सारा कराची जो है वो गर्म हो चुका होता है और हम लोग जो है वो यहाँ पे उसके मज़े ले रहे होते हैं एंड टाइम पे। और इधर उधर बाड़ों में जो है वो दूध की जुआई हो रही है और जो है लोगों ने अपनी बच्चियाँ और गायों को खोल के छोड़ दिया। मेरा कैमरा वहाँ तक दिखा नहीं पा रहा, नहीं तो वो वाला जो बाड़ा है ना वहाँ पे सीन है कि वो खोल के छुटी हुई है। ये यहाँ का मौसम है और एक वो कोने पे जो है हमें गाय नज़र आ रही है, पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रही हो नहीं, वो एक खड़ी गाय। तो भाई मौसम बहुत ही मज़े का है, यहाँ सामने भी जो है वो गाय वगैरह हैं, इन्हें भी खोल के छोड़ दिया गया है और ये हमारे बाड़े के साथ ही यहाँ पे पैसे हैं। तो भाई मौसम तो माशाल्लाह बहुत मज़ेदार है, नीचे जो है वो चारा चल रहा है, चारा डल गया है बछड़ों को। मैं अभी नीचे भी जाता हूँ, फिर नीचे से भी आपको क्लिक कराता हूँ, बाकी आप लोग इन्जॉय करें इस मौसम को। और यहाँ होते तो फील भी करते, मौसम बहुत ही सुकून वाला हुआ है, सन्नाटा है, शोर शराबा नहीं है, ठंडी हवा चल रही है हल्की हल्की और बहुत मज़ा आ रहा है। तो भाई चलते हैं नीचे और नीचे चल के आप लोगों को बछड़े दिखाता हूँ, बकरों से मिलवाता हूँ, मगर यह है कि अभी चारा चल रहा है, थोड़ा हो जाए ताकि वो चारे को ख़त्म तक पहुँच जाए, चारा एंड कर लें फिर आपको दिखाता हूँ। तो भाई जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि जैसे ही चारा खा लेंगे जानवर तो मैं आपको दिखाऊंगा, तो भाई चारा फिनिश हो चुका है सबका तकरीबन, जब तक इनकी बारी आती है जब तक हम इन्हें देख लेते हैं। ये रहा दुम्बू, दुम्बू हेलो बोलो। हेलो, देखा भाई हेलो बोल रहा है, बोल दो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हाँ भाई तुम बोल दो, दुम्बू ने तो नहीं बोला। तो भाई देखा इसने करीब आके बिल्कुल बोल दिया, तो फिर आप लोग इसकी बात सुन लीजिएगा हमारे चुल्लू मुल्लू की। और ये देखें ये दोनों यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इन्हें हमने बेचने के लिए खड़ा किया। हाँ भाई क्या हो गया, कटवा दें इस साली क्या तुम्हें हैं? हाँ भाई तुम्हारी क्या कंडीशन है भाई, इनकी तबीयत ख़राब ही चल रही है भाई, ये भाई साहब पता नहीं इनके साथ चक्कर क्या हुआ है, ये नाराज़ ही चल रहे हैं। अच्छा बाहर जा चुके हैं, बाला आ रहा, ये हीर खड़ी भी है, बाला आ रहा है बाहर। ए, रुक रुक जा इधर, भाई देखा ये काम करता है, ये तो मैं खड़ा हुआ था तो इसलिए मुझे टक्कर नहीं पड़ी, नहीं तो कोई और दादा उसको तो घुसा देता ही। भाई लो ये भी भाग गई, ये सीधा सीधा, अभी छोटी है अभी कहाँ, भाई माशाल्लाह पांडा भी आ रहा, ये दौड़े लगवा रहे आज जानवर माशाल्लाह। ओ हो,
अरे माशाल्लाह ज़रूर कहना है आप लोगों ने हीर की मस्तियों को देख के। तो भाई कालू की बारी आ गई है। कालू माशाल्लाह देखें जरा इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। तो भाई यासीन भाई ने खोल लिया एक और गोश्त का पहाड़। माशाल्लाह माशाल्लाह यासीन एक और हो गया, मजा आ जाएगा। माशाल्लाह भाई ये मस्ती के मूड में है। ओह देखे भाई ये माशाल्लाह। और ये गिरे स्लेगर माशाल्लाह भाई ये मस्तियां ही जो है इस बात का सबूत है कि जानवर ओके हैं बिल्कुल। और वो ओके नहीं होते तो सुन सपाटा जा रहे होते हैं, खेलते नहीं है, जोर नहीं मारते। भाई अब आएगा नेक्स्ट ह्यूज वन। यासीन भाई उसे और मस्ती करने के लोग सार हैं। ये आ गया डरपोक। डरपोक को सिर्फ ये करना है और ये क्या। माशाल्लाह डरपोक भी अपनी जगह पे पहुंच गया भाइयों। तो भाई इनमें से बहुत सारों का नाम नहीं रखा हुआ मैंने, ये भी आप लोगों को बताना पड़ेगा भाई किस किस का क्या क्या नाम रखे। जैसे ये दो हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के नाम नहीं रखे। वो देखो भाई वो खेल रहा, ये देखो भाई ये सबके सबसे बड़ा है ये माशाल्लाह। तो भाई सारे बछड़े बच्चे सारे बाहर बन चुके हैं और अंदर वाली जगह खाली हो गई, सिर्फ ये पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये हमारे जंग अंदर बड़ा वाला माल VIP कैटल माल बंदा हुआ अंदर, छोटे छोटे भूतनी के। ये माशाल्लाह बड़ा हो गया, ऊपर चढ़ जाता, कम चढ़ता है मगर चढ़ जाता है भाई। अब ऊपर चढ़ गया, उसकी हवा निकल रही है नीचे उतरने में। दोस्तों देख रहे हैं आप लोग, ये हैं होशियार पट्टी के। ऊपर चढ़ने के बाद अब इनकी हवा निकल गई है कि नीचे कैसे आए भाई, ये तो बहुत ही नीचे है। आओ ना, क्या हो गया, आओ नीचे। और ये जितना नजर आ रहा है ना, ओ माशाल्लाह आ गया भाई आ गया। ये होते जा रहे हैं बड़े और बकरों के साथ रह रहे के इनकी बकरों वाली खसलत होती जा रही है। वैसे ही ऊपर नहीं चढ़ पाता था मगर अभी ऊपर चढ़ जाता है। बाकी वो दोनों चिल वहाँ माहौल में जो है ना मस्त बैठे हुए। तो भाई
आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। जो भी बात समझ में आ रही है, जो भी आप कहना चाहते हैं, कमेंट में लाजमी बताएं और इसी तरह हमारी वीडियोस को देखते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।